जय माता रानी। 9 दिन के भक्तिमय माहौल के बाद वह समय आता है जब माता रानी की विदाई भी करनी होती है। अतः इसको लेकर मन मस्तिष्क में कई सारे प्रश्न आते हैं कि विसर्जन का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दुर्गा विसर्जन और घट विसर्जन के बारे में। हिंदू शास्त्रों में उल्लेखित है कि किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने से पहले देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है तथा मंत्रोच्चारण विधि के द्वारा सभी देवी देवताओं को अपने पूजा स्थल पर बांधा जाता है, या ये कहें कि उन्हें मूर्ति में या घट में प्रतिष्ठित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार पूजा पाठ तथा मंगल कार्य संपन्न होने पर देवी देवताओं को विसर्जित किया जाता है। विसर्जन की विधि बताने से पहले आपको ये बता दें कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त 5 अक्टूबर को सुबह 6:21 से लेकर सुबह 8:43 तक है। अर्थात आपके पास विसर्जन के लिए मात्र 2 घंटे 22 मिनट ही होंगे। अब आगे चलते हैं और विसर्जन की विधि जानते हैं। विसर्जन वाले दिन भी आप माता की तथा कलश की षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। षोडशोपचार से तात्पर्य है आवाहन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षत इत्यादि से पूजा करना। पूजा की क्रिया पूर्ण होने के बाद आगे बताए गए मंत्र से देवी की आराधना करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि मे, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश देहि मे, महिषग्नि महामाय चामुंडे मुंडमालिनी आयुरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर उन सभी देवी देवताओं का स्मरण करें जिनका आपने कलश स्थापना के समय पूजन करने का संकल्प लिया था, क्योंकि माता रानी के साथ साथ सभी देवी देवताओं को विदा करना होता है। ध्यान रहे कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की विदाई घर से कभी भी नहीं की जाती, अतः विसर्जन के वक्त उनका स्मरण न करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से बोले, गच्छ गच्छ सूर्य श्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। अर्थात इसका भावार्थ है, हे माँ भगवती, हे परमेश्वरी, हे सभी देवी देवताओं, आप सभी का सानिध्य पाकर मैं बहुत धन्य हुआ। पिछले 9 दिनों में मैंने जितनी भी न्यूनता या अधिकता के साथ भक्ति की है वे सभी पूर्ण हो। हे परमेश्वरी, अब आप अपने स्थान को चली जाएं और पुनः मेरे बुलाने पर आप आएं, यही मेरी कामना है। ऐसा कहते हुए अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात घट या कलश को अपनी जगह से थोड़ा हिला दें या उठाकर किनारे रख दें। यह विसर्जन का संकेत होता है। इसके पश्चात कलश के ऊपर रखे नारियल को प्रसाद के रूप में अपने घर के सदस्यों के बीच में बांट दें तथा ढक्कन पर रखे हुए अक्षत को पक्षियों के लिए डाल दें। कलश के अंदर बचे हुए जल को अपने पूरे घर में तथा 10 दिशाओं में छिड़काव करें, क्योंकि उस जल में सभी देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कलश में रखे गए द्रव्य अर्थात पैसा या सिक्के को सुरक्षित रूप से अपनी तिजोरी में रखें, इससे समृद्धि आती है तथा धन में वृद्धि होती है। कलश में रखे सुपारी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मिट्टी में पनपे जौ के कुछ 9 अंकुरों को ध्यान से निकाल लें तथा इन्हें अपने दाहिने कान के ऊपर या अपनी जेब में धारण करें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा कार्य में सफलता मिलती है। ऐसी मान्यता है कि उन 9 अंकुरों में से
अगर आपको पूर्ण श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का अंकुर प्राप्त हो जाए तो यह समझें कि आप अति सौभाग्यशाली हैं। माता रानी पर चढ़ाए गए वस्त्र तथा श्रृंगार के सामान को घर की औरतें ग्रहण कर सकती हैं। अब बारी आती है माँ को स्थानांतरित करने का। ऐसे में अगर आप माता रानी की तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति को अपने घर पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक जगह निर्धारित कर लें तथा उन्हें वहाँ रख दें, या फिर उस तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति को विसर्जित करना चाहते हैं तो मूर्ति या तस्वीर को बहते जल में प्रवाहित कर दें, या अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने स्थान पर ही पीतल या तांबे के किसी पात्र में गंगा जल मिश्रित या कुश मिश्रित जल भर लें तथा उस मूर्ति या तस्वीर को कुछ दिनों के लिए उसमें यथावत रहने दें। कुछ दिनों के पश्चात जब मूर्ति घुलकर जल में विलीन हो जाए तो उस जल को नीम, गुड़हल, आंवला, तुलसी, आम, बेलपत्र या फिर पीपल वृक्ष की जड़ में डाल दें। इस प्रकार मूर्ति विसर्जन का कार्य पूर्ण होता है। ध्यान दें कि पूजा में इस्तेमाल हुई सभी सामग्रियां, जैसे कि फूल, पत्ती, आम के पल्लव इत्यादि इधर उधर न फेंकें। इन्हें पौधों की जड़ में दबा दें या धूप में या गमले में रखकर सुखा दें। पूजा स्थान पर बची हुई दक्षिणा अर्थात पैसे, वस्त्र और प्रसाद मंदिर के पुजारी को दे दें। इन सब के साथ विसर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। हमें आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी।